91.2 NIVH हेलोदून को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं हेमा। दोस्तों, लेकर हाजिर हूं आपका अपना कार्यक्रम दिव्यांगता भारतीय दृष्टिकोण से। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि अंगों पर नहीं, हमें अपना ध्यान दिव्यता पर केंद्रित करना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि कई बार सफलता एक बार के प्रयास में नहीं मिलती, कई बार 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 प्रयास करने पड़ते हैं। तो कोई बात नहीं, प्रयासों में कमी नहीं करें तो सफलता तो पास आ ही जाएगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि संसाधनों से पूर्ण व्यक्ति यदि सफलता प्राप्त कर लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती, पर कुछ कमी के साथ, यानी यदि किसी व्यक्ति के पास किसी अंग की कमी है, यानी वो व्यक्ति दिव्यांग है और फिर भी वो कुछ ऐसा कर जाता है जो कि लोगों के लिए प्रेरणादायी हो जाता है, तो वो बड़ी बात है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक खास या एक प्रेरणादायी शख्सियत के बारे में। तो इसके लिए मेरे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं निपफेट के निदेशक प्रोफेसर नचिकेता राउत जी। तो चर्चा शुरू करने से पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। शिक्षक या गुरु हर जगह नहीं मिल पाते हैं और हर किसी के भाग्य में भी नहीं होते, तो हमें दिव्यांगता में दिव्यता को देखना है, तो हमारा बड़ा भाग्य भी होना चाहिए कि हमें गुरु कैसे मिले और हम गुरु किसे मानते हैं। सर, हमने सुना है कि एक ऐसी शख्सियत हुई है जिसने प्रकृति में ही अपने कई गुरु ढूंढ लिए थे, तो उनके बारे में बताइएगा। आप दत्तात्रेय जी के बारे में बात कर रहे हैं, अवधूत दत्तात्रेय जी, है ना, जिन्होंने 24 गुरु ढूंढ लिए थे इस प्रकृति में। जी, देवी अनुसुईया के पुत्र थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के अवतार माने जाते हैं दत्तात्रेय। आपने सुना होगा परशुराम, जिन्होंने 17 बार इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था और बड़े क्रोधी थे, बिल्कुल राम की प्रतिभा वाले, पर हाथ में एक परशु, तो बड़े क्रोधी थे और अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते थे, खुद भी इस बात को जानते थे और जगह जगह भटकते थे गुरु के लिए। तो हुआ कुछ यूं कि एक जगह उन्होंने भीड़ देखा और सुना कि दत्तात्रेय आए हुए हैं जी, तो कौतूहल बस बिल्कुल अंदर चलते चले गए। जैसे वो बिल्कुल भीड़ को चीरते हुए परशुराम आगे बढ़ते जा रहे थे और देखा उन्होंने कि दत्तात्रेय बैठे हुए हैं और बड़े दंग हो गए ये देख के कि दत्तात्रेय बिल्कुल बैठे हुए हैं और एक तरफ एक हाथ में एक बड़ा मदिरा का जग या पात्र पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में एक तरुणी या एक युवती बैठी हुई है, सुंदर बिल्कुल भी। तो थोड़ी देर के लिए तो शांत और स्तब्ध रह गए लोग, धीरे धीरे खाली जाते चले गए और परशुराम बिल्कुल टकटकी लगाकर देखते रहे दत्तात्रेय को और उनमें राम की वो झलक मिल गई, हाथ से परशा गिर गया था। तो वो परशुराम जो कि 17 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विमुक्त कर चुके थे और इतने क्रोधी थे कि अपनी माँ का भी गर्दन उतारा था उन्होंने, वो दत्तात्रेय से इतने प्रभावित हुए कि परशा हाथ से छूट गया। तो दत्तात्रेय की इतनी भूमिका के बाद मैं ये बताना चाहूंगा आपको, दत्तात्रेय एक बार आराम कर रहे थे, धूप सेक रहे थे और राजा ययाति के पुत्र यदु वो विरक्त हो चुके थे, उनको ऐसा लगने लगा था कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था जो कि उन्हें सिखा सके कि और क्या ज़्यादा उस दिव्यता के तरफ इस भौतिक दुनिया के बाहर कैसे जाया जाए। यदु को कोई गुरु ना मिल रहा था, नाराज हो कि वो एक वन की तरफ जा रहे थे और अपने सारे गहने निकाल निकाल कर फेंक रहे थे और नाराज हो रहे थे। तो अचानक एक फकीर जो कि लेटा हुआ था, उसके शरीर पे एक गहना आया, वो उठाता और बोलता है कि नाराज होने से क्या होगा यदु, किस बात से नाराज हो? तो यदु बोलते हैं कि मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि दुनिया में कुछ नहीं है रखा है, ये सब खत्म हो जाता है, पर ये बात दिखाने वाला तो मेरे पास कोई नहीं, कोई गुरु नहीं जो कि ये सिखा सके कि इस भौतिक जगत के बाहर भी कुछ है, कौन हो जो कि इशारा करे? दत्तात्रेय उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि यदु, ये पूरा विश्व गुरु है, विश्वम गुरुर मम, पूरा विश्व ही मेरा गुरु है, देखने वाली निगाह चाहिए जी। तो यदु पूछते हैं, प्रभु बताएं कैसी निगाह, आपको दिख गया? तो बोले कहां,
आपके कितने गुरु? यदु ने पूछा। बोले मेरे 24। तो यदु पूछे कौन? दत्तात्रेय बोलते हैं पहला जल। हमारा शरीर लगभग 72% जल का बना हुआ है जी। जल हर किसी के लिए आवश्यक है, जीवनदायिनी है, लेकिन अगर जल को छोड़ दो तो सबसे नीचा स्तर ले लेता है। वैसे जो बुद्धिमान होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो खुद को ज़्यादा उछालते नहीं, अक्सर सबसे पीछे या सबसे नीचे अपने आप को रखना पसंद करते हैं। तो पहला गुरु जल, दूसरा गुरु पृथ्वी। ये पृथ्वी सबको धारण की हुई है, भला बुरा नहीं देखती, सबको स्थिरता देती है, सबको भोजन दिलाती है, सबको रहने का आवास देती है। तो दूसरी गुरु पृथ्वी। पृथ्वी, हमें भी अपने लक्षण पृथ्वी जैसे करने चाहिए। तीसरा गुरु, तो पेड़ के ऊपर दिखा और बोला ये कबूतर। एक बार मैंने देखा कि ये शिकारी ने कुछ जाल बिछा रखा था और कबूतर के बच्चे उसमें फंस गए थे। जो माँ कबूतर है वो बाहर होते हुए भी मोह के वश, सिर्फ लगाव और ममता के चक्कर में, ममत तो मेरा है के चक्कर में उस जाल में स्वयं जा फंसी। कबूतर पकड़ने वाला शिकारी कबूतर को और उसके बच्चों सबको ले गया। तो कभी भी बेवजह ममत्व में नहीं फंसना चाहिए। तो तीसरा गुरु हो गया कबूतर। चौथा गुरु सूर्य। ये सूर्य अकेला है, लेकिन जो भी आसपास है अलग अलग पात्रों में अलग अलग रंग दे जाता है। इसके साथ रंग है, और जो भी हमें रंग दिखता है ये सूर्य के किरण के चलते दिखता है। उस तरह शक्ति तो वही एक है, दिव्यता तो वही एक है, अलग अलग जाकर वो अलग अलग रंगों में और अंगों में हमें भासता है। तो ये जो भिन्नता है और ये एकता है, ये मैं सूर्य से सीखता हूँ। अगला गुरु उन्होंने बताया वायु। जिस तरह वायु हर किसी के लिए आवश्यक है, हर किसी में समाहित है। भाई पेड़ जो सांस छोड़ते हैं वो हम में चला आता है, अभी जो ये सांस छोड़ा गया वो उसमें चला गया, उसकी सांस हम में चली आई, लेकिन वायु अपनी प्रकृति नहीं छोड़ती। चाहे वो कहीं भी चली जाए, वायु बिल्कुल ज़रूरी है। ना तो उसे घमंड होता है, ना वो अपनी प्रकृति बदलती है। इसलिए अगला गुरु वायु। अगला गुरु कौन? अगला गुरु उन्होंने बताया ये वन में खेलता हुआ हिरन। ये हिरन खेल खेल में इतना मशगूल हो जाता है, गंध रूप रंग इसमें इतना मशगूल हो जाता है कि कई बार आते हुए शिकारी को नहीं देख पाता। इसलिए साधक का ये काम है कि वो कभी भी बेवजह की चीज़ों में ना उलझे। जहाँ उलझा वहाँ परेशानी जी। अगला गुरु आचार्य स्थूलीभद्र को भी जगाने वाली वैश्या पिंगला। आचार्य स्थूलीभद्र ने देखा कि पिंगला शरीर का उपयोग करती है, भले ही कुछ वृत्ति के लिए, पर कभी भी उस शरीर में उलझ नहीं जाती। सजती संवरती है, पर सिर्फ इसलिए कि दो वक्त की रोटी मिल सके जी। तो शरीर के मोह में ज्यादा ना उलझना, ना उलझाना लोगों को, ये सीखा उन्होंने वैश्या पिंगला से। अगला गुरु कौन? अगला गुरु समुद्र, जो कि अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता। चाहे अतिवृष्टि हो जाए, चाहे अल्पवृष्टि हो जाए, चाहे कई नदियों का जल उसमें आ जाए, या सूर्य बहुत मात्रा में जल सुखा जाए, समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता। उसी तरह सुख दुख हार जीत लाभ अलाभ के होने पर भी अपने स्थिरता को, अपने शांत भाव को एक साधक नहीं छोड़ता, और उसे छोड़ना नहीं चाहिए जी। अगला गुरु बताया पतंगा। पतंगा जिस तरह दिए की तरफ फड़फड़ा कर जाता और उसमें जल जल कर अपने आप को नाश कर जाता, यानी कि बेवजह आकर्षण में उलझने से अपनी शक्तियां क्षीण होती है और शरीर और मन को नुकसान पहुंचता है। ये बात मैंने सीखा पतंगे से। तो इसलिए पतंगा मेरा अगला गुरु। फिर पूछा गया कि अगला गुरु कौन? और अगला गुरु आकाश। सब कुछ समाप्त हो जाता है इस घर में। अगर आप देखें यहाँ हर चीज सड़ जाएगा कुछ सालों बाद जी। लेकिन जो नश्वर नहीं है,
जो अविनाशी है वो है ये आकाश, ये स्पेस। तो ये आकाश हर किसी में व्याप्त है और यही है जो स्थिर है, बाकी सब नश्वर है, नश्वर है। तो आकाश मेरा अगला गुरु। फिर बताया उन्होंने कि अगला गुरु कौन, अगला गुरु मछली। मछली कई बार ये जानता है कि ये आटे के नीचे ये कांटा है, लेकिन अपने जिह्वा के लोभ में इतना उलझ जाता है कि ये जानते हुए भी उस कांटे से उलझ जाता और फंस जाता। तो हमारी भी ज्यादा से ज्यादा उपद्रव, आजकल तो हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गया है ना, तो ज्यादा से ज्यादा उपद्रव इस जीभ के चक्कर में है। तो इसलिए मछली मेरा अगला गुरु। हाथी मेरा और एक गुरु। हाथी इतना विशाल जानवर, शांत जानवर, बुद्धिमान जानवर, लेकिन हाथी उलझता कैसे है, शिकारी पकड़ते कैसे हैं, नकली हथनी की आवाज निकालकर या पालतू हथनियों को जंगल में छोड़कर। तो काम वासना में फंस जाने पे व्यक्ति अपनी जान गंवा सकता है। तो हाथी मेरा अगला गुरु। मधुमक्खी मेरा अगला गुरु। मधुमक्खी जिस तरह हजारों फूलों के बीच जाता है, पर क्या करता है, फूलों से सिर्फ मधु संग्रह करता है, मदद करता है पराग यहां से वहां ले जाने में, लेकिन कभी भी फूलों के गंध को परेशान नहीं, कभी भी फूलों के गंध में कोई विकृति नहीं लाता। उस तरह शास्त्र पढ़ने वाले, विद्या अर्जन करने वाले लोग कभी भी विद्या का गलत उपयोग नहीं करते। आपने देखा ना, तार्किक लोग सिर्फ बात करना जानते हैं, इसलिए अपने बात से लोगों को दुखी करते हैं। जी बिल्कुल, कड़वा बोलते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम जानते हैं। तो मधुमक्खी अगला गुरु। मधु तो हम संग्रहित करें, शास्त्रों से चीजें लें, लेकिन उसका प्रयोग कभी भी दूसरे को छोटा करने में, दूसरे को दुख देने में ना करना चाहिए। अगला गुरु मधुहा, जो कि मधुमक्खी के द्वारा इकट्ठे किए गए मधु को ले चलता है, ले जाता है। क्या सिखाता है वो ये सिखाता है कि आप बेवजह चीजों का संग्रह ना करें, क्योंकि अगर आपने संग्रह किया तो भोग तो कोई और करेगा। जी, ज्यादा से ज्यादा वक्त भौतिक चीजों में ना देकर अपने आप को बेहतर बनाने में लगाएं। ठीक, अगला गुरु कौन, अगला गुरु हुआ आग। आग जिस तरह किसी भी चीज को समता से, एक भाव से जला जाता है, हर नैवेद्य को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही व्यक्ति को जो भी भोजन उसे मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। जी। बुद्ध बोला करते थे कि आपके भिक्षा पात्र में कुछ भी गिरे उसे आप ग्रहण कर लो, उसे फेंकना नहीं। दुरुपयोग भी इसका हो सकता है। बुद्ध के जीवन में एक संस्मरण है कि भिक्षा पात्र लेके जा रहे थे और एक मांस का टुकड़ा लिया जा रहा था एक चील, और वो मांस का टुकड़ा गिर गया भिक्षा पात्र में। भिक्षा पात्र में गिर गया तो बड़ा चर्चा हुआ कि इसको फेंका जाए या खाया जाए। तो बुद्ध ने उस समय के लिए बोला था, नहीं, भिक्षा पात्र में जो आ गया उसका आप तिरस्कार नहीं कर सकते हैं, बस मजे से खाया भोजन उसको मांस। दुरुपयोग ऐसे होता है, क्यों, तो यदा कदा कभी होगा कोई चील कौवा डाल जाए मांस का टुकड़ा। दुरुपयोग ऐसे होता है कि कुछ हिस्से हैं जहाँ की बौद्ध भिक्षु मांस खाने के शौकीन हैं, और श्रावक भी उन्हें मांस परोस देते हैं और बड़े खुशी खुशी खाते हैं। दुरुपयोग, बुद्धि का दुरुपयोग। मधुमक्खी इसलिए गुरु कि बुद्धि लिया जाए, तर्क लिया जाए, पर उसको उलझाया सुलझाया ना जाए अपने जरूरत के हिसाब से। तो उन्होंने बताया कौन कौन मेरा अगला गुरु, इसमें आग मेरा अगला गुरु, जो कि भोजन को एक भाव से ग्रहण कर लेता है। बालक भी मेरा एक गुरु, जिस तरह राग द्वेष से दूर होकर एक छोटा बच्चा खुशी खुशी खेलता कूदता है, उसी तरह एक साधक को या एक व्यक्ति को अभी की परिस्थिति में खुश रहना सीखना चाहिए, और पुरानी चीजों को लेकर दिमाग में बातें नहीं चलानी चाहिए। गतम न सोचामी कृतम न मने, गया हुआ बात मन में बार बार सोचकर दुखी
नहीं होना चाहिए। अगला गुरु कौन? चंद्रमा। जिस तरह चंद्रमा का अपना किरण नहीं होता, वो सूर्य की का किरण लेता है, लेकिन बड़ा शीतल बनाकर दे जाता है, उसमें वो गर्मी नहीं होती, शीतल बनाकर दे जाता है। उस तरह अगर हम कोई भी चीज़ दें तो इस योग्य करके दें कि लोग उसको ग्रहण कर सकें। दूसरी खासियत चंद्रमा में क्या होता है, चंद्रमा घटता बढ़ता जाता है समय के हिसाब से, पर अपनी चमक में कभी कमी नहीं लाता। तो इसलिए इस नश्वर दुनिया में जब आप रहें, जब तक रहें, तब तक पूरी तरह अपने प्रकृति में रहें। ऐसा नहीं कि पता चले कि हाँ ये बात अब हाथ से जाने वाली है तो आप हरकतें अपनी बदलना शुरू कर दें, या ये आने वाली है तो हरकतें बदलना शुरू कर दें। नहीं, एक भाव रखना बड़ा ज़रूरी है। समय के साथ बदले नहीं। हाँ, समय के साथ बदला, समय के साथ साथ बदले नहीं, समता बनाए रखें जी। अगला गुरु चील। एक चील एक मरा चूहा लिया उड़ रहा था और उसके पीछे कई कौवे दौड़ रहे थे छीना छपटी करने के लिए। तो दत्तात्रेय कहते हैं कि जिस तरह सांसारिक साधन, ऐसा कोई सांसारिक चीज़ अगर मिल जाए, चाहे वो जर हो, जोरी हो, ज़मीन हो, या कोई चीज़ हो, अगर हाथ लग जाए तो और 50 लोग आपके पीछे आपको परेशान करने को दौड़ते हैं। इसलिए कभी भी एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी चीज़ों को का संग्रह नहीं करता जिसके चलते बाकी लोगों की निगाह उसके ऊपर पड़े। तो बेवजह संग्रह करना मना है। अच्छी बात नहीं। दत्तात्रेय ने कहा अगला गुरु मेरी एक कुंवारी कन्या। एक बार कुछ लोग एक लड़की को उसके ब्याह के लिए देखने गए हुए थे। लोग भूखे थे तो लड़की ने सोचा कि इनके लिए कुछ भोजन बनाऊं। तो लोग आने वाले थे इसलिए कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई थी, बड़ा सजी हुई थी। लेकिन जब वो धान कूटना शुरू कर की तो ये चूड़ियाँ खनकनी शुरू हुई, पर वो ये बताना नहीं चाहती कि इन लोगों के लिए परेशान होकर तैयारी कर रही थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, बाकी की चूड़ियाँ निकाली, सिर्फ एक एक चूड़ी अपने हाथ रखा और धान कूटा और भोजन करवाया। लोग खुश हुए। ये देख के दत्तात्रेय ने कहा कि ये लड़की मेरी अगली गुरु, क्योंकि उसको ये पता चल गया था कि एक से अधिक लोग अगर रहें तो टकराव होगा, कलह होगा, स्वर होगा, जो कि गैर जरूरी है। इसलिए साधक को हमेशा एकांत साधना चाहिए जी। अगला गुरु सांप। सांप जिस तरह एक जगह नहीं टिकता, अनिकेत होता है, घर नहीं बनाता अपना, वो कभी इस बिल में रह लिया, कभी उस बिल में रह लिया, है ना। तो सन्यासी भी कभी एक जगह नहीं टिकते जी। या बुद्धिमान आदमी एक जगह नहीं टिकता, मोह माया नहीं बनाता और एक जगह से दूसरी जगह विचरण करता रहता। तो सांप उनका अगला गुरु। और अगला गुरु अजगर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, है ना। तो क्या खास बात है अजगर में? अजगर क्या करता, वो एक जगह स्थिर पड़ा रहता है और इंतजार करता है कि शिकार उस तक पहुंचे, खुद पहुंच जाए। तो धैर्य रखना और इंतजार करना एक व्यक्ति के आत्म उत्थान के लिए बहुत आवश्यक है जी। तो अजगर हो गया उनका अगला गुरु जी। फिर और एक गुरु का नाम उन्होंने बताया कि भृंगी कीड़ा। आपने देखा होगा कि भ्रमर अक्सर एक कीड़े को उठा ले जाते हैं और उसे अंदर बिठाते हैं, अपने घर के अंदर बंद करते हैं, और कुछ दिनों बाद एक और भ्रमर उसमें से निकल के बाहर आता। कभी देखें इसको। मान्यता ऐसी थी कि भंवरा एक कीड़े को ले जाता है, रखता है और उसको आँखें में आँखें मिला के रखता है और कुछ ना कुछ उससे बातचीत करता है। अच्छा। कुछ संप्रेषण करता है और कुछ दिनों बाद वो कीड़ा भ्रमर बन जाता है। उस तरह गुरु के पास शिष्य को एकाग्र होकर रहना चाहिए ताकि गुरु के लक्षण शिष्य में आ जाए और किस दिनों बाद शिष्य भी गुरु का गुरुत्व ले आए जी। तो अगला गुरु उनका था भृंगी कीड़ा। एक और गुरु के नाम उन्होंने गिनाया, वो है तीर बनाने वाला। एक तीर बनाने वाला तीर को के फल को घिसता, बिल्कुल सीधा रखता ताकि तीर जब जाए एक पॉइंट पे, एक नोक पे वार करे और ज़्यादा से ज़्यादा गहरा पहुँच हो उसका, हवा को काटे, फिर जहाँ लगे उसको काटे। उसी तरह व्यक्ति को अपने लक्ष्य के तरफ एकाग्र होना चाहिए। अमूमन तकलीफ ये होती है कि हमारा ध्यान कई जगहों इधर उधर भटक जाता है। तो तीर बनाने वाले से सीखा कि तीर कैसे
जिस तरह तीर के लिए वो एक ही नोक रखता है, वैसे ही व्यक्ति को भी अपना लक्ष्य एक चीज की तरफ देना चाहिए। जी। फिर बैठे बैठे दत्तात्रेय ने बताया कि ये मकड़ी मेरी अगली गुरु, मकड़ी जिस तरह अपना जाल स्वयं बनाती, उसमें विचरण करती, चीजें फांसती उसमें, फिर कुछ दिनों बाद उस जाल को खुद खा लेती और अगले जगह जाकर फिर बना लेती। वैसे ही ये संसार हमारा बनाया हुआ है और हमारी मान्यताओं पे चलता है। जी। ये बात जिसे समझ में आ गया वो योगी, जैसे कि कृष्ण, जैसे कि मत्स्येंद्रनाथ। योगियों के तीन श्रेणी होते हैं, एक मंद, एक मध्यम, एक उत्तम। मत्स्येंद्रनाथ, दत्तात्रेय और कृष्ण, इन्हें उत्तम योगियों में गिना गया है, सबसे ऊपर वाले। जी, सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ में है ना, कृष्ण को तो पूर्ण अवतार ही बुला आता है। बिल्कुल मकड़ी की तरह उन्हें खूब पता था कि ये रचना भी मेरी है, रचयिता भी मैं हूँ, सभी कुछ पता था। कहते भी तो हैं कि कृष्ण जी को तो सभी पता था, फिर उन्होंने क्यों करवाया। जैसे कि एक मकड़ी जाल रचता भी है, विहरता भी है, उसे निगल भी लेता है, लेकिन उस जाल में खुद नहीं फंसता। जी। वैसे एक साधक या एक योगी या एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी उन चीज़ों में नहीं उलझता जो उसके खुद के बनाए हुए हैं। ध्यान रखें, हम अपनी बनाई हुई चीज़ों में उलझते हैं। जी। मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरे बच्चे, हमारा ही बनाया हुआ। तो कृष्ण कभी उलझे नहीं थे, तो इसलिए ना ही राम उलझे थे कभी। जंगल जाने की माँ की इच्छा है, पिताजी ने भी हामी भर दी है, ठीक है चलो, मेरा बनाया हुआ, लेकिन मैं नहीं उलझता उसमें। यही खासियत होती है एक योगी की। जी सर, आपने अभी दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के बारे में बहुत ही रोचक तरीके से बताया, मुझे उम्मीद है हमारे श्रोताओं को जरूर पसंद आएगा।